नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट सुख चौधरी। आज साथियों अपन दुबई से रिलेटेड बात करें, कुछ भाइयों के कमेंट थे, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, साथ चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि सही जानकारी आपको मिलती रहे, और बेल आइकन का जो प्रेस है उसको भी प्रेस कर ले ताकि जैसे ही वीडियो डालो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। रिंकू कुमार बोलते हैं, सर विदाउट मेडिकल दुबई जा सकता हूँ क्या? 6 मंथ वाले वीजा में मेडिकल में अनफिट कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर भाई आप मेडिकल अनफिट हो, 1-3 महीने का विजिट वीजा आता है, 1-6 मंथ का भी दुबई का वीजा आता है, उसमें आप जा सकते हो। वर्क परमिट वीजा अगर आप लोगे तो उसमें मेडिकल आपका होगा, ठीक है? वो वहां पर भी होगा, इंडिया में तो चलो नहीं होता, लेकिन वहां आपका मेडिकल होगा। उसमें अगर अनफिट हो गए तो आपको वीजा नहीं लगेगा, इंडिया वापस आना पड़ेगा। तो 6 मंथ वाला वीजा आप ट्राई कर लीजिए, उसमें अगर आप जाना चाहते हो तो जाके वापस आ सकते हो। और क्या इससे बाकी शटडाउन का वीजा आते हैं उसमें भी ट्राई कर सकते हो, शटडाउन वाले में मेडिकल नहीं होते। मोहसिन गर्सिया बोलते हैं, सर मैं 1 साल इसराइल वेलिडेटर वीजा पे गया था, सर क्या गलत के लिए वीजा मिल सकता है क्या, प्लीज सर बताइए। भाई इसराइल आप वीजा पे गए थे, अच्छी बात है, गलत का वीजा तो सऊदी का कहीं का भी वीजा मिल सकता है, इसमें इसराइल का कोई इशू नहीं रहेगा। आप कोई भी कंट्री का वीजा ले सकते हो, सिर्फ अगर इसराइल में प्रॉब्लम हुई है तो वहां नहीं जा सकते, बाकी दूसरी कंट्री में आप जा सकते हो, वीजा आसानी से मिल जाएगा। कोई भी एजेंट अच्छा सा ढूंढिए, वीजा लगाइए और जा सकते हो आप, ठीक है भाई। मोहम्मद तालिब बोलते हैं, सर मैं चश्मा लगाता हूँ क्या मैं अभी जा सकता हूँ, मेरा मेडिकल फिट हो जाएगा? भाई देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप चश्मा लगाते हो और मेडिकल में आपको दो चीज़ें दिखाई जाएंगी, एक तो नियर बाई, एक थोड़ा सा मतलब दूर से लेंस के द्वारा, ठीक है? उसमें दो चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, पास वाली भी आपको पढ़ के बताना पड़ेगा, ABCD, दूर वाले को भी बताना पड़ेगा। अगर दोनों में आपको फिट हैं, दोनों पढ़ के आपने बता दी तो आप फिट हो जाओगे, चश्मा लगने का कोई इशू नहीं है, ठीक है? फौज पुलिस में भी लोग चश्मा लगाते होंगे, पता है, वो मेडिकल चश्मा लगाने का मतलब ये नहीं कि मेडिकल अनफिट हो, चश्मा तो एक आंखों की सुरक्षा के लिए होता है, बाकी आपको अक्सर पढ़ के दिखाई दे, आप अगर बता दोगे तो आप आराम से सिलेक्ट हो जाओगे, जा सकते हो। सुधाकर बोलते हैं, सर मैं अगर दुबई गया वहां पे एग्जाम्पल 2 साल के लिए, मेरे घर पे इमरजेंसी कुछ हो गया तो कैसे वापस आऊंगा? भाई देखिए, 2 साल के लिए अगर आप जाते हैं, कंपनी में पासपोर्ट आपका जमा होता है, आप रेगुलर वहाँ पे काम कर रहे हो, घर पे कोई इमरजेंसी होती है तो उसका यहाँ से रीजन आपको देना पड़ेगा। जैसे आपके फादर वाइफ वगैरह कोई बीमार हो जाती है तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ऐसी कोई घटना हो जाती है सीरियसली तो कंपनी आपको छुट्टी दे सकती है 1 महीने की 2 महीने की, उसके दौरान छुट्टी काट के वापस आ सकते हो। कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि कंपनियां छुट्टी नहीं देती, तो भैया इसका ऑप्शन ये है कि रिजाइन मारो इंडिया हो, ये 2 ऑप्शन है, लेकिन आ सकते हो आप, ये नहीं कि घर पे इमरजेंसी वगैरह आप नहीं आ सकते, दोनों ऑप्शन होते हैं। गुरमित गुर बोलते हैं, दुबई के लिए विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीजा के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? वहां पे जाके विजिट चेंज हो जाता है क्या वर्क वीजा के लिए? देखिए भाई, दुबई एक ऐसा कंट्री है, UAE जिसको बोलते हैं, वहां पे विजिट टू वर्क विजिट टू एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा होता है। वहां की गवर्नमेंट ने इतने इजीली नियम बना रखे हैं कि यहाँ से आप 1 महीने के विजिट में भी जाओगे तो भी आपका परमिट अप्लाई हो जाएगा, वीजा आपका लग जाएगा, ठीक है? 3 मंथ वाले में भी जाते हो तो भी उसमें आराम से लग जाता है, उसमें टाइम मिल जाता है। दुबई में 80% विजिट टू एम्प्लॉयमेंट होता है, आप आराम से जाके वहाँ वीजा लगवा सकते हैं, एजेंट भी अगर नहीं होता है खुद भी लगवा सकते हो, इतना कोई इशू नहीं होता। दुबई वैसे अच्छी कंट्री है विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वालों के लिए, आराम से वीजा लग सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बना रखी है, ठीक है भाई। अलकनस बोलते हैं, भाई तेरे को कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, पहले तो दुबई में, दुबई कौन सी कंट्री नहीं, UAE का स्टेट है, और वहां दुबई केवल 28 लाख ही नहीं है। ये भाई है अलकनस, ये पता नहीं इतना एक्स्ट्रा दिमाग कहाँ से लगा के आते हैं, इनके दो उन्होंने मुझे सजेशन दिया है कि आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, दुबई UAE का स्टेट है। तो मेरे भाई, ये पूरी दुनिया जानती है कि दुबई UAE का स्टेट है। UAE कौन, कितने लोग बोलते हैं UAE बोलने वाले, VAB, मैं बता दूं आपको, इसको बोलने वाले इंडिया में 10% भी लोग नहीं है, 90% 95% लोग दुबई बोलते हैं, अपनी भाषा में इसको दुबई बोला जाता है, अखबारों में भी UAE नहीं लिखा आता, दुबई लिखा आता है। आगे बात समझ में, तो आपको सजेशन मैं दे देता हूँ, दुबई ही बोलते हैं 95% लोग। दूसरी बात, आपने बोला दुबई में 28 लाख लोग नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपके पास तो लिस्ट होगी कितने लोग हैं, तो आप बता देते भाई कितने लोग हैं। मैंने तो वो बताया है जो इमिग्रेशन विभाग में रजिस्टर्ड है, वहां के अखबार की कटिंग पड़ी है, मैं साथ में डाल दूंगा, 28 लोग, 28 लाख वर्कर इंडिया के दुबई में हैं, काम कर रहे हैं।
वो इमिग्रेशन में रिपोर्ट होता है उसके आधार पे बता रहा हूँ मैं, इलीगल वर्कर उनका तो रिपोर्ट नहीं होता, तो उनके तो हमें भी नहीं पता। और अगर आपको ज्यादा पता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी पता लगे, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन थे मैंने आपको वीडियो के माध्यम से आंसर देने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज सही जानकारी आपको मिलती रहे। साइड में जो बेल आइकन का बटन उसको भी प्रेस कर लें जिससे आपको जैसे नई जानकारी नई अपडेट मैं करता हूँ आपके पास सहले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, जिससे सही आपको मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद।